सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक खालिस्तानी समर्थक कह रहा है कि कनाडा उनका है, गोरे यानी श्वेत लोगों को इंग्लैंड या यूरोप चले जाना चाहिए। दिस इज अवर कंट्री, सॉरी वी आर ओनर ऑफ दिस कंट्री, वी आर खालिस्तान, दिस इज अवर कंट्री, यू आर फ्रॉम यूरोप, वी आर ओनर ऑफ दिस कंट्री, गो बैक टू यूरोप, गो बैक टू इंग्लैंड, सपोर्ट आवर इंग्लैंड पीपल, यू गो बैक टू यूरोप, यू आर नॉट कैनेडियन, वी आर कैनेडियन, दिस इज अवर कंट्री, यू आर इन्वेडर्स, वी आर नेटिव इंडियन। उनको पनाह दे देता है, वो यहाँ से चले जाते हैं, वहां पे पहुंच जाते हैं और हमें हमारी बात जो है उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। हम बड़ी देर से आपको चीजें बता रहे थे लेकिन आपने वो जिसे कहते हैं ध्यान ही दिया। खालिस्तानियों ने पंजाब पर से क्लेम छोड़ दिया है, ये आज की ताज़ा खबर है। और वो पंजाब में नहीं, वो अपना खालिस्तान जो है वो कनाडा में ही बना रहे हैं, उसका उन्होंने औपचारिक उसकी घोषणा कर दी। हिंदू सिख से कोई लेना देना नहीं है, शायद कनाडा में कुछ लोग होंगे, थोड़े बहुत अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में होंगे, पर हम 85% तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ये एक हिंदू प्लस सिख वर्सेस के एलिमेंट का झगड़ा है और ज्यादातर क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन है, वो तो इंडियन भी नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है कि मैं उन्हें इंडियन नहीं कह सकता। ये वहीं के लोग हैं जिन्हें वहां की कंट्री, वहां की डीप स्टेट उनको पालती है और आपसे ज्यादा कौन जानता है। जो गोरे अपने ये गेम्स खेलते हैं थ्रू IMF, थ्रू थिंक टैंक, थ्रू यू नो जॉर्ज सोरोस की तरफ से इसी फोर्स के ऊपर बहुत जोर से लात मारी गई है। तो कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इस सुपरिटेंडेंट ने जो उसका लिंक है टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान, एक मर्डर चार्ज के ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो ये सरेगा है। लेकिन अब उन्होंने कह दिया है तो आप मान लो 2% तो बहुत होता है ना, 2% मतलब मान लीजिए अगर उनकी संख्या जो है और वो 3-4 लाख भी है। ये एक वो जैसे कहेंगे ना एक सिचुएशन है और इस सिचुएशन में इंडिया अपने पत्ते खेल रहा है और वो पत्ते सीधे सीधे एक अग्रेसिव मोड में इंडिया पत्ते खेल रहा है और वो यही है कि जरा दबा के रखो जितना दबा के रख सकते हो, इसी से हमें जो है ना वो फायदा है। टर्डो साहब ने जो बोया है अब उसको काटने का समय आ गया है। अब खालिस्तानी जो है वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि पूरा कनाडा जो है वो उनका है। कनाडा में बकवास कर रहे हैं, यूएस में बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं तो बकवास के अलावा खालिस्तानी कुछ कर ही नहीं पाए आज तक। लेकिन जो इनकी यहाँ पे जड़े हैं ना, इनको यहाँ पे ठोको खालिस्तानियों को, इन्होंने सिख भाइयों का नाम खराब करा है, इन्होंने सिखी का नाम खराब करा है। खालिस्तानी है ये, बदनुमा दाग है, इनको सबसे पहले मिटाना है इस दाग को। टर्डो साहब ने जो बोया है अब उसको काटने का समय आ गया है। अब खालिस्तानी जो है वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि पूरा कनाडा जो है वो उनका है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ खालिस्तान वाले क्या बोलते हैं पंजाब में, वो कहते हैं कि भाई खाली पंजाब थोड़ी उनका है, पंजाब के साथ में हिमाचल भी उनका है और हिमाचल के साथ में हरियाणा भी उनका है और दिल्ली भी उनका है और उत्तराखंड भी उनका है, उत्तराखंड का जो पूरा तराई का इलाका है वो भी उनका है और साहब पीलीभीत जिला भी उन्हीं का है, खीरी जिला भी उन्हीं का। ये अलग बात है कि पॉपुलेशन खीरी जिले में 2% होगी और पीलीभीत में 3% होगी और आपके उधम सिंह नगर में 4% होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटा धार, जहाँ चरण पड़ गए वो उन्हीं का हो गया। मतलब ये जो इस्लामी थे वो जिस तरह से दारुल इस्लाम बनाया करते थे ना, वो उसी तरह से इनका है ये दारुल खालिस्तान। तो दारुल खालिस्तान अब कहाँ बन गया है, कनाडा में कैसे बन गया है, साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई ये जो कनाडा है ये हमारा है या हम इसके ओनर हैं और हम ही नेटिव इंडियन हैं, तुम लोग जो हो वो इन्वेडर हो और ये जो जितने भी गोरे हैं यहाँ पे वो सब कनाडा छोड़ के चले जाओ, यूरोप जाओ, इंग्लैंड जाओ, ये पूरा का पूरा कनाडा जो है ये हमारा है। भाई लोगों की जो जनसंख्या है वो कोई 2% है वहाँ पे, हिंदुओं की 3% है, लेकिन हिंदू हल्ला गुल्ला नहीं करते इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ते, वो विजिबल इतने नहीं है, इस तरह की शैतानियाँ नहीं करते, बदमाशियाँ नहीं करते, उनको इतनी शह भी नहीं है। इनको पूरी शह है टर्डो साहब की, तो टर्डो साहब की शह जो है वो अब इसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। अब अर्श दल्ला जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया वहाँ पे। अब दल्ला नाम ही दल्ला है तो वो दल्ला है इन लोगों का,
अब उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उससे भी पीड़ित है कि हमारे दल्ले को क्यों अरेस्ट किया गया। कहने को तो नगर कीर्तन निकल रहा है, लेकिन नगर कीर्तन में साथ में पीछे से जो कमेंट्री चल रही है वो ये है, अच्छा भाई जब ये आज चल गया पूरी तरह से वीडियो पर वायरल हो गया तो बहुत सारे जो खालिस्तानी हैं वही कह रहे हैं अरे रे 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 ये तो कॉन्स्पिरेसी है, इसमें वॉइस ओवर अलग से है। अरे भैया वॉइस ओवर अलग से है, साफ साफ दिख रहा है जो बोल रहा है उसकी अंग्रेज़ी जो है वो पंजाबी एक्सेंट में है भाई, और वो पंजाबी एक्सेंट जो है वो हम और आप तो हम बोल नहीं सकते, वो पंजाबी एक्सेंट बनाएंगे तो भी थोड़ा सा आर्टिफिशियल सा लगेगा। हमारे तारिक फतेह साहब हमेशा मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि भैया पंजाबी बोलनी तुमको नहीं आएगी, तो पंजाबी बोलने के लिए जो है वो आपको गालियाँ भी सीखनी पड़ेंगी और वो एक तरह का जो है वो एक विशेष कुछ चीज़ होती है वो जब तक नहीं आएगी तब तक आप पंजाबी ठीक से नहीं बोल सकते, वो गालियाँ भी नेचुरल आती हैं, नेचुरल बाहर से प्लांट नहीं होती। तो ये साहब आपका कनेडियन खालिस्तान, मैं कितने दिनों से कहता आ रहा हूँ कि भाई ईस्ट खालिस्तान वेस्ट खालिस्तान। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने अब सारी हदें पार कर दी है, जिस देश ने उन्हें रहने के लिए जगह दी वहां के नागरिकों को ही अब खालिस्तानी आतंकी धमकियां दे रहे हैं। सो ये एक व्हाट इज इट कहेंगे ना एक एक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में इंडिया अपने पत्ते खेल रहा है, और वो पत्ते सीधे सीधे एक अग्रेसिव मोड में इंडिया पत्ते खेल रहा है, और वो यही है कि जरा दबा के रखो जितना दबा के रख सकते हो, इसी से हमें जो है ना वो फायदा है। अगर हमने ना दबाया, इनको मौका दिया, तो देन इट विल बी लाइक हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें हमें शायद हम वो रिजल्ट्स ना अचीव कर सकें। सो बी टफ, जितना ज़्यादा टफ होंगे उतना ही हमारे लिए दैट इज़ बेटर, ये वो कहते हैं। बहरहाल लेट्स सी इस हवाले से व्हाट कुड बी डन, व्हाट कुड बी एनालाइज्ड, इसमें क्या किया जा सकता है, क्या एनालाइज किया जा सकता है, कैसे चीज़ें जो हैं वो उनको फ्रेम किया जा सकता है, ये तो एक वक्त ही बताएगा। बट इंडिया को एक पॉलिसी जो पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर है उस पर काम करना है। सो लेट्स सी आइंदा क्या होता है, लेकिन मैंने जो कैनेडियंस को देखा है, कैनेडियंस डिवाइडेड हैं, परेशान हैं, पियर पोलिवियर फायदा उठा रहा है इनकम्बेंसी फैक्टर का, पियर पोलिवियर और ट्रूडो के दरमियान कंपटीशन है कि हिंदू मंदिर में कौन जाके पहले उनको खुश करता है। सो वो परेशान है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये एक जिसे कहते हैं ना चीज़ मेरे सामने है। बहरहाल लेट्स सी कि क्या निकलता है, और लेकिन अगर कनाडा के अंदर लीडरशिप चेंज हो जाती है, जो कि पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, अगर लीडरशिप चेंज हो जाती है तो फिर आप ये देखिएगा कि इंडिया विल बी मोर असर्टिव। अगर नहीं होती तो फिर असर्ट करेगा विद द अमेरिकन सपोर्ट, अमेरिका से मदद लेगा, अमेरिका को पहले क्लियर करेगा, कनाडा खुद ही ऑटोमेटिक बैक ऑफ कराएगा, और इंडिया विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट, इंडिया एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि जिससे कैनेडियंस बैक ऑफ करें। इंडिया की ये बड़ी ख्वाहिश है कि जैसे तैसे जो कैनेडियंस हैं वो बैक ऑफ करें, और बैक ऑफ वो तभी कर सकते हैं जब मर्जी अमेरिका की होगी, एंड वो मर्जी अमेरिका की जो है वो तभी हो सकती है जो अगर नई एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में सो। ईस्ट खालिस्तान जो है वो ब्रैम्पटन है, और वेस्ट खालिस्तान जो है वो सरे है। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये सरे का है, यानी सरे वैंकूवर का एक सबर्ब है वैसे तो, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है तो आप मान लो 2% तो बहुत होता है ना, 2% मतलब मान लीजिए अगर उनकी संख्या जो है और वो 3-4 लाख भी है तो बहुत बड़ी जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या पूरी कनाडा को, जो कि मेरे विचार से अमेरिका से भी बहुत बड़ा है, और संभवतः जो आपके रशिया के बाद में सबसे बड़ा देश है, यद्यपि 90% उस देश का जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन फिर भी है। तो अब भाई टर्डो की समस्या द्विगुणित हो गई है, यानी दोगुनी हो गई है। कैसे हो गई है, बल्कि मैं कहूँगा त्रिगुणित हो गई है। अर्शद अल्लाह को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उनको समाचार मिल रहा था कि अर्शद अल्लाह जो है वो कुछ क्राइम करने वाला है, तो अर्शद अल्लाह को अरेस्ट कर लिया, इधर से इंडिया एक्टिव हो गई,
30 केसेस के डिटेल भेज दिया कि 30 केसेस में यहाँ वांटेड है, इसको तुरंत आप एक्सट्रेडिशन कीजिए। इसका एक्सट्रेडिशन वो नहीं करेंगे, एक्सट्रेडिशन तो उन्होंने परमार का भी नहीं किया था जिसने कि एयर इंडिया बॉम्बिंग की थी, एयर इंडिया का जहाज़ उड़ाया था जिसमें 300 से अधिक कैनेडियन मारे गए थे, उसकी भी नहीं की थी। तो लेकिन आजकल जो स्थिति है और फाइव आईज जिसकी बेसिस पे इन्होंने पूरा नैरेटिव चलाया था भारत के विरुद्ध, वो फाइव आईज की जो बॉस है वो हो गई है तुलसी गबर्ड, भारी समस्या होगी, भारी समस्या होगी। वो नरेंद्र मोदी की प्रशंसक हैं, स्वयं हिंदू हैं, भक्ति मार्ग से संबंध रखती हैं और एंटी वॉर हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, सच बोलती है। तो सच बोलने वाला जो व्यक्ति है वो टर्डो जैसे लोगों के लिए बहुत ही गंभीर रूप से संकटमय है। हिंदू सिख से कोई लेना देना नहीं है, शायद कनाडा में कुछ लोग होंगे, थोड़े बहुत अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में होंगे, पर हम 85% तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ये एक हिंदू प्लस सिख वर्सेस के एलिमेंट का झगड़ा है, और ज्यादातर क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन है, वो तो इंडियन भी नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है कि मैं उन्हें इंडियन नहीं कह सकता। ये वहीं के लोग हैं जिन्हें वहां की कंट्री, वहां की डीप स्टेट उनको पालती है, और आपसे ज्यादा कौन जानता है। जो गोरे अपनी ये गेम्स खेलते हैं थ्रू IMF, थ्रू थिंक टैंक्स, थ्रू यू नो जॉर्ज सोरोस, और थ्रू इस तरह के इन्फ्लुएंसेस जो इस कंट्री में जो लोग परेशान हैं या जिनका कोई इश्यू है उनको बढ़ा के फिर उनको क्रैक्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी कंट्री को कंट्रोल करना हो तो उसके घर का भेदी ही ढूंढ लो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो ये तो नीचे ही जा रहा है, मतलब एक और अजीब सा कीटाणु कहूंगा मैं उसको, है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसने कल फिर स्टेटमेंट दे दी कि हम मंदिर पे अटैक कर देंगे, राम मंदिर पे कर देंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका जैसी कंट्री जो इतनी की रूल बेस्ड है, जहां पे आरजू जी मैंने इतने साल वहां गुजारे और 10-12 साल की मेरी ट्रैवलिंग में 3-4 दफा हो कि मुझे एयरपोर्ट से सिक्योरिटी ने बाहर बुलाया बड़े विधि पूर्वक तरीके से, क्योंकि वहां पे आपको पता है अंग्रेजों के पास एक गुण तो है कि वो जबान नहीं खराब करते भले वो आपको अंदर से तोड़ दें। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे चेक किया कि आपने पगड़ी पहनी है या आप, हमें लगता है कि आप सस्पिशियस हो, और चेक करके जाने दिया। अब ये पन्नू जैसा कीटाणु इतना कुछ बोल रहा है और उसको कानून उठा नहीं रहा, ये मेरी समझ से ऊपर है। पर मैं इसको अब आज के मुद्दे पे लाता हूं कि मुझे लगता है कि अब जो रेजिम चेंज हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि जगमीत जो जैसे लोग हैं वो बड़े वाहियात और बेकार किस्म के लोग हैं, तो अब मुझे लगता है कि थिंग्स विल इम्प्रूव। क्योंकि अब आप देख लीजिए जो हम आगे बात करेंगे कि कैनेडा अमेरिका का और चाइना की जो वॉर है उसमें इंडिया ही है, क्योंकि आज अगर हिंदुस्तान में कोई, दुनिया में कोई ऐसा हेड ऑफ द स्टेट है जिसके डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे रिश्ते, मैं बड़ी सोच समझ के ये बात बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग यूरोप, भले G7 हो, आज भी दुनिया में अगर कोई एक लीडर है जिसके मोदी जी के साथ बहुत बढ़िया रिश्ते हैं एंड वाइस वर्सा, वो सिर्फ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ठीक है,